भारत ने महिला एशिया कप 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ धमाकेदार शुरुआत की। भारतीय टीम ने रंगीरी दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में 7 विकेट से शानदार जीत हासिल की। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.2 ओवर में 108 रन बनाए, जिसे भारतीय टीम ने 14.1 ओवर में ही हासिल कर लिया। उज्जैन में मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, इस दौरान अचानक बैंड की धुन बदल गई और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया। यह देखकर वहां मौजूद लोग अचंभित रह गए। इसके बाद चारों तरफ से फूल बरसाए गए, यही नहीं लोगों ने एक दूसरे पर नोट भी न्योछावर किए। ओडिशा का मलकानगिरी जिला बाढ़ की चपेट में भयावह स्थिति में पहुंच गया है। जिले में घर से लेकर पुल तक पानी में डूब चुके हैं लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में आई बाढ़ में आम जनजीवन त्रस्त हो गया है। जिले में लगभग सभी पुल बाढ़ के पानी के अंदर समा चुके हैं। कुपवाड़ा जिले के केरल सेक्टर में हुई मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के पास से सेना स्टेयर AUG असॉल्ट राइफल बरामद की गई है। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने चिंता जाहिर की है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में गुरुवार को मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के पास से सेना के जवानों द्वारा ऑस्ट्रिया में बनी स्टेयर AUG असॉल्ट राइफल बरामद की गई है। इंदौर के सिमरौल स्थित IT कैंपस के PS3 केंद्रीय विद्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्कूल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के नाम धमकी भरा मेल मिला है। वहीं जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। ग्रीन एप्पल का नाम आते ही आपके मस्तिष्क में कश्मीर और शिमला की तस्वीरें उभरने लगती है। अपने स्वाद के लिए मशहूर ये ग्रीन एप्पल अब MP के रीवा में बड़े पैमाने पर उगाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कृषि अनुसंधान केंद्र ने तैयारी पूरी कर ली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जबलपुर टेक्सटाइल क्षेत्र का अत्याधुनिक स्किल सेंटर बनेगा। प्रदेश में सेना के टैंक का निर्माण भी होगा। रक्षा उपकरण क्षेत्र में 600 करोड़ रुपए का निवेश होगा। अशोक लीलैंड और आर्म्ड व्हीकल के बीच करार हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य पुलिस के किसी जवान के शहीद होने की स्थिति में सरकार द्वारा दी जाने वाली 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि मृतक की पत्नी और माता पिता के बीच बराबर बराबर बांटी जाएगी। मध्य प्रदेश में बीते 4 दिनों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून सिस्टम आज शनिवार से और भी स्ट्रांग हो जाएगा। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले दिन 3 दिन मौसम का मिजाज ऐसे ही बने रहने का अनुमान भी जताया है। MPPSC ने फिर बड़ी चूक कर दी। आयोग ने राज्य सेवा और राज्य वन सेवा परीक्षा 2024 प्री के सवालों की प्रोविजनल आंसर पर लगी आपत्तियों के निराकरण के बाद शुक्रवार रात फाइनल आंसर की जारी कर दी है, लेकिन इसमें फिर गलती की है।